नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, ये एक्वा का वाटर प्यूरीफायर है दोस्तों। ये इंस्टॉल कर दिया मैंने, ये चल रहा नहीं है, ये दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो इसमें देखो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको दोस्तों मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको भी मैं इसके पंप के वायर चेक करता हूँ, यहाँ से प्रॉपर लग रहे हैं या नहीं लग रहे, इनको भी खोल लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये एडाप्टर का एसी कनेक्शन हो रखा है यहाँ पे, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने खोल लिया है, देखो यहाँ पे भी करंट आ रहा है इसमें ब्लैक में भी, और ये देखो रेड वायर में भी करंट आ रहा है। तो दोस्तों इस दोनों में ही करंट आ रहा है, जबकि एक में आना चाहिए करंट, एक हमारा पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, इसमें दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। तो SMPS में प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिक प्रो कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसमें कभी मैं चेक कर लेता हूँ आपको, 100% का AC कनेक्शन चेक करते हैं खोल के। तो ये देखिए दोस्तों, इसका भी मैंने एक, ये देखिए यहाँ पे प्लग लग रहा है, और ये देखिए ये रहा वायर यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, इस दोनों में ही कनेक्शन आ रहा है, इसका मतलब इस दोनों में फेस फेस आ रहा है दोस्तों। तो इसकी प्रॉब्लम तो दोस्तों सॉल्व हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, RO भी प्रॉपर चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इसमें मोटर से पानी वायर की तरफ से निकल रहा है। ये देखिए, अगर डायफ्राम से निकलता तो कोई उसका इलाज हो भी सकता था, मगर इसमें तो पूरी बाइंडिंग ही पानी में हो गया और इधर से पानी निकल रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम थी, उसमें दोनों फेस फेस आ रहा था, वो भी सॉल्व कर दिया है। अब RO तो प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मगर दोस्तों इस सिचुएशन में तो भी मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को नए हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम।